वेलकम बैक टू द ईगल्स कोचिंग क्लासेस। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले, वीडियो नंबर 5 लास्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उसके वैल्यू में चेंजेस क्यों रहते हैं और कैसे रहते हैं। उसमें हम देखने वाले है उनके तीन टाइप। पहला है चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सेकेंड वन चेंज विद द हाइट, एंड थर्ड वन चेंज विद द डेप्थ। इसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो बच्चों देखते हैं पहला टॉपिक, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ यानी इसमें क्या है बच्चों, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे पूछा है जो जी की वैल्यू रहती है वो अर्थ के सरफेस पे सब जगह सेम रहती है क्या? तो इसका आंसर है नो। क्यों नो? बिकॉज जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो शेप है, हम क्या बोलते हैं स्फेरिकल, एक्चुअली में वो एग्जैक्टली स्फेरिकल रहता है क्या बच्चों? नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कुछ जगहों पे क्या रहता है, माउंटेन्स रहते हैं। तो जो अर्थ का रेडियस है उसके प्लस में वो माउंटेन का जो हाइट है उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा जो सरफेस रहता है, सरफेस के ऊपर हम देखते हैं कि किस जगह पे खड्डे रहते हैं। खड्डे बोले तो बड़े डीप वैलीज रहती है, या समुंदर में क्या रहता है बच्चों, डीप वैलीज रहती है। तो अगर हम सेंटर के पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक रेडियस कैलकुलेट करें तो रेडियस क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और क्या होता है बच्चों, प्लेस टू प्लेस से डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। अर्थ क्या करती है, अपने खुद की राउंड में रोटेट करती है। ड्यू टू इट्स रोटेशन, उसके रोटेशन से क्या होता है बच्चों, द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर। अर्थ क्या होता है, अर्थ बल्जेस, बल्जेस यानी उनका जो सेक्शन है वो बाहर की तरफ आता है। किधर आता है, इक्वेटर की तरफ आता है। और चपटा यानी फ्लैटर कहाँ पे रहता है, तो फ्लैटर रहता है पोल्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है बच्चों, जो रेडियस है लार्जेस्ट कहाँ पे है, लार्जेस्ट कहाँ पे रेडियस है, अर्थ का इक्वेटर पे। और स्मॉलेस्ट कहाँ पे है बच्चों, पोल्स पे। यहाँ पे एक समझने वाली बात ऐसी है कि जब हम अर्थ के सेंटर से ऊपर 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 जाते हैं यानी हाइट पे जाते हैं, तब क्या होता है, जो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल वैल्यू रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है बच्चों, क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे देखिए रेडियस लार्जेस्ट कहाँ पे बच्चों, इक्वेटर, यानी इसका मतलब क्या, इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या रहता है बच्चों, अब कम रहता है। और स्मॉलेस्ट कहाँ पे रहता है बच्चों, पोल्स पे स्मॉलेस्ट रहता है। कहाँ पे रहता है, पोल्स पे। सो मैक्सिमम हाइएस्ट कहाँ पे रहता है बच्चों, पोल्स पे रहता है। तो पोल्स पे कितना रहता है, तो जी की वैल्यू रहती है पोल्स पे 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक डिक्रीज हो जाती है एज लैटिट्यूड डिक्रीज होता है। इट इज लोएस्ट एट इक्वेटर, अभी हमने बताया कितना रहता है इक्वेटर पे, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मैं आपको दिलचस्प बात बताना चाहता हूं बच्चों, आप पढ़ते होंगे यहाँ पे, आप देख गौर करिए, जो ऋषि मुनि रहते हैं जो तप करने के लिए जो जाते हैं वो माउंटेन की तरफ जाते हैं, ऊंची जगह पे क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसका रीजन ऐसा है कि जब वो हाइट पे जाते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत पे जाते हो, तो वहां पे हाइट ऊपर होने की वजह से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है जो बॉडी पे अपने अप्लाई होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता है बच्चों। इसकी वजह से जो हमारी एकाग्र शक्ति है, ध्यान करने की क्षमता है, वो जब हम हाइट पे जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होने की वजह से वो हमारी क्या होती है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन पावर वो हमारी इंक्रीज होती है बच्चों। आप सेकंड देखते हैं चेंज विद हाइट, जैसे एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, यानी जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर जाते हैं तब जो रेडियस ऑफ द अर्थ रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ही रेडियस इंक्रीज होता है तब क्या डिक्रीज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता है बच्चों। क्या डिक्रीज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हाउएवर अगर डिक्रीज इन रेदर स्मॉल फॉर हाइट्स व्हिच आर इन स्मॉल कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस, लेकिन जो हम कंसिडर करती है जैसे एरोप्लेन क्या होता है, हमारे मिनिमम 10 किलोमीटर या उससे भी कम सरफेस में वो क्या करते हैं, फ्लाई जेट जो रहते हैं ना, वो 10 किलोमीटर पे ऊपर हाइट पे वो ट्रेवल करते हैं,
फ्लाइट करते फ्लाई करते, लेकिन जो हम जो डिस्टेंस रहता है हम नॉर्मल डिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं कर सकते, नॉर्मल हाइट को कंसीडर नहीं कर सकते। हमारी घर 10 मंजिली होगा तो भी हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरी 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 लेस है। सो हम लेस डिस्टेंस रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। एग्जांपल, रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का रेडियस कितना है बच्चों? 6400 किलोमीटर। अगर एरोप्लेन 10 किलोमीटर पे फ्लाई कर रही है तो एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? 640 प्लस 10 कितना हो गया? 6400 प्लस 10 यानी 6410 किलोमीटर हो गया। सो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? चेंज होती है, लेकिन वो कैसी रहती है बच्चों? निग्लिजिबल रहती है, उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, वो हमारे अर्थ के ऊपर क्या होते हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, यानी हमारे अर्थ के अराउंड वो घूमते हैं, तो उनके बारे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है हम कंसीडर कर सकते हैं, क्यों? वो हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर के डिस्टेंस पे है। सो टिपिकल हाइट एंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस हाइट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो हमें उस वैल्यू के बारे में देखना है। अगर हम बात करें सरफेस ऑफ द अर्थ पे, एवरेज एवरेज बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो हाइट जीरो कंसीडर करना पड़ता है बच्चों। और जीरो हाइट पे जो अर्थ की एप्रोक्सीमेट वैल्यू लेती है वो कितनी रहती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। जो लार्जेस्ट माउंटेन है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, उनकी जो हाइट है 8848 मीटर। तो उसके ऊपर भी हम जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो कितनी कंसीडर करते हैं बच्चों? 9.8। हम यहाँ पे गौर करने वाली बात ऐसे कि हम यहाँ पे जो सरफेस ऑफ द अर्थ से हम नीचे नीचे ऐसे जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है बच्चों? हाइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या डिक्रीज हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो बाद में देखिए, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैनमेड बलून, जो मैनमेड बलून रहता है वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे 36.6 किलोमीटर यहाँ पे दिखा है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है या देखा है मे बी 48 किलोमीटर समथिंग, उसके नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। तो तब वहां पे 36.6 पे कितनी वैल्यू है? 9.77। हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, अभी हमने सैटेलाइट के बारे में बताया था वो कितने हाइट पे रिवॉल्व करते हैं? 400 किलोमीटर। तो वहां पे कितनी वैल्यू रहती है? 8.7। हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सबसे ऊंचाई पे रहते कितने? 35,700 किलोमीटर। वहां पे कितनी रहती है? 0.225 किलोमीटर। आपने कभी ओवेजर के बारे में पढ़ा होगा, ओवेजर यानी सैटेलाइट थे, वो क्या है? नासा जो है वो क्या करते, उन्हें अंतरिक्ष में भेजे, वो क्या करते हैं? वन डायरेक्शन में उन्हें सेंड किया रहता है और उनके ऊपर कैमरा लगा रहता है और वो क्या करते हैं, जो कुछ पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, वो पिक्चर्स को हमारे अर्थ की तरफ इंटरनेशनल जो सैटेलाइट स्टेशन रहता है वहां पे वो सेंड करते हैं और वहां से हमारी अर्थ की तरफ आता है बच्चों। तो सी पॉइंट देखना है चेंज विद डेप्थ के बारे में। जैसे ही वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, कब चेंज होती है? जब आप अर्थ के इनसाइड जाते हैं बच्चों, अर्थ के इनसाइड जब जाते हैं तो जी की वैल्यू जो रहती है, जी की वैल्यू वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होना पड़ता है? इंक्रीज, लेकिन क्या होती है बच्चों? डिक्रीज। जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या? उसका रेडियस ऑफ द अर्थ जो रहता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन जो जी की वैल्यू रहती है वो क्या होना पड़ता है? इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे वैसा होता है क्या बच्चों? नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। और अर्थ के सेंटर में वो कितना रहता है? जीरो। लिसन केयरफुली, मैं क्या बोला? अर्थ के सेंटर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू रहती है वो जीरो रहती है, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ टू बी यूज्ड इन द, तो क्या होता है जो वैल्यू ऑफ एम दैट इज द मास ऑफ द अर्थ जो रहता है, जैसे ही रेडियस डिक्रीज होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों? रेडियस समझो ये अर्थ है, और जैसे ही रेडियस डिक्रीज होता है यानी यहां से इधर ये इतना ही रेडियस,
तो हमें इतना ही कैलकुलेट करना पड़ता है, इतना ही हमें डिस्टेंस लेना पड़ता है। सो जो बाहर का सेक्शन है, आउटर सेक्शन है जो बाहर का, उसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास ऑफ द अर्थ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब मास डिक्रीज होता है तब क्या होता है, रेडियस इंक्रीज, सॉरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में। ओके, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। अगर हम मार्स को कंसीडर करें अर्थ से, तो क्या होता है, जो मार्स का रेडियस है, मार्स का रेडियस एंड जो मास है वो अर्थ से ज्यादा है, इसकी वजह से मार्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज कंपेयर टू अर्थ बहुत 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 ज्यादा है बच्चों। तो हम बाद में देखते हैं, ए चेंज विद द डेप्थ टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन हम अब कंपैरिजन करते अर्थ का मून से। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस, हमें तो पता है ईच एंड एवरी प्लैनेट का जो मास रहता है, रेडियस रहता है, डिफरेंट रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज देयर शेप इज डिफरेंट। हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया है ऊपर, यहाँ पे देखिए जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ है बच्चों। तो देखिए क्या होता है, ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 वैल्यू ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ को मून से कंपेयर करें तो उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अर्थ से कितना है, 1/6, कितना है बच्चों, 1/6। उसकी वजह से हम अगर अर्थ पे एक जंप मार सकते हैं तो उसके 6 टाइम हायर जंप कहां पे मार सकते हैं, मून पे। यानी हम एक जंप मारने के लिए जितना फोर्स हम अर्थ पे लगाते हैं उतना अगर फोर्स हम मून पे लगाए तो हम 6 टाइम हायर इतनी जंप मार सकते हैं। तो आगे का टॉपिक देखना है हमें, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। क्या देख रहे हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट हमें टॉपिक देखना है। मास और वेट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट रहता है उसे हम मास कहते हैं। वेट का मतलब क्या है, और फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। यानी जो अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे हम क्या कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं। और दूसरा इसका यूनिट क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम, सीजेस यूनिट क्या है ग्राम। तो वेट का देखिए बच्चों क्या रहता है, फोर्स, फोर्स यानी न्यूटन, क्या रहता है बच्चों, न्यूटन। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फोर्स का क्या रहता है, न्यूटन। लेकिन हम दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दूसरा यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, मास का यूनिट क्या रहता है बच्चों, मास का यूनिट रहता है किलोग्राम। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो ऐसा यूनिट वेट का और क्या हो सकता है बच्चों, ग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ये भी उसका यूनिट हो सकता है। और सीजीएस क्या होता है बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेयर होता है बच्चों। और जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी रहती है, और वेट जो रहता है वो कौन सी क्वांटिटी रहती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी रहती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी रहती है। और मास, मास जो रहता है यूनिवर्स में कौन से ही प्लैनेट पे जाने के बाद मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम द प्लैनेट टू प्लैनेट। व्हाई, बिकॉज जो वेट का फॉर्मूला है वो क्या है, यम इंटू जी, यानी मास ऑफ द बॉडी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें पता है ईच एंड एवरी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो बच्चों चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज और रेडियस और देयर मास। ओके, तो हम आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। यानी
जब हमारे बॉडी का मास हायर रहता है तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है तब कैसा रहता है बच्चों, ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है। आगे देखते हैं, कॉलोक्वियली वी यूज वेट फॉर बोथ मास एंड वेट एंड मेजर द वेट इन किलोग्राम्स विच इज द यूनिट ऑफ मास। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज when we say Raju's weight is 75 kilogram, we are talking about Raju's mass. Approximately हम जब बात करते तो हम क्या बोलते हैं, तेरा वेट कितना है। Actually weight concept wrong, तो हम वेट क्या बोलते हैं 75, लेकिन वैसा नहीं, वो 75 क्या हो गया, हमारा मास। लेकिन वहां पे अगर हमें कोई पूछे कि तुम्हारा वेट क्या है तो हमें क्या बताना पड़ता है, तो न्यूटन में बताना पड़ता है। कैसे बताएंगे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, फिजिकल टू एम इंटू जी, यानी 75 इंटू 9.8, इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, 735 न्यूटन, ऐसे बताना पड़ता है बच्चों। तो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ने वाले, फ्री फॉल के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर फ्रेंड्स।